ये रहा बल्ब, ठीक है करते हैं। तो लगभग ये 7-8 वोल्ट जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिएगा, ठीक है 9 वोल्ट तक गया है। ओके दोस्तों, वेलकम है यूट्यूब चैनल के, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो आज का एक्सपेरिमेंट है, आज की वीडियो है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूँ कि एक 775 मोटर जो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से है, ठीक है। उसके आगे चक लगा रखे हैं मैंने ड्रिल मशीन के, इस तरीके से अरेंज कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये एक डीसी फैन की मोटर है। दोनों ही मैग्नेट पीएमडीसी टाइप की हैं, मतलब परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स, ठीक है। और दोनों ही डीसी की मोटर्स हैं, और ये वाली मोटर जो है, ठीक है, ये डीसी फैन की मोटर है। लगभग 6 एम्पियर तक ये हमें इनपुट में लेके और हमें लोड आउटपुट की शाफ्ट से दे सकती है, ठीक है, देती है। ये वाली मोटर इस तरीके की है, थोड़ी इसकी जो वाइंडिंग है थोड़ी सी थिक है इसके कंपैरिजन में, और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ी हैवी मोटर है इससे। जबकि ये मोटर 775 मोटर है, सभी इस मोटर के बारे में जानते हैं कि 775 मोटर होती क्या है, और इसकी वाइंडिंग इस वाली मोटर से थोड़ी सी पतली वायर की बनी होती है, यानी कि थोड़े ज़्यादा गेज की बनी होती हैं। तो दोस्तों सेटअप रेडी है, ठीक है। शाफ्ट से दोनों शाफ्ट इस तरीके से कनेक्ट कर दी हैं, बबलिंग कोई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्मूथ बैलेंस शाफ्ट लगा रखी हैं। मल्टीमीटर पर आप देख सकते हैं कि अभी से थोड़ा सा घुमाने पर ही वोल्टेज दिख रही है। देखिए मैं वोल्टेज आपको रीड आउट करके बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को ये वोल्टेज सही से ना दिख रही हो, ठीक है। अभी ये तो 0.24 के अराउंड जा रही है, ठीक है। अब मैं इनपुट देता हूँ इस वाली मोटर में, ठीक है, और ये हमने, ये आप देख सकते हैं कनेक्ट कर रहे हैं हम, और ये अभी नहीं चलेगा जब तक कि हम इसमें यहाँ से इनपुट नहीं देंगे, ठीक है। अभी हम इनपुट दे रहे हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा सा साउंड इसलिए कर रहा है क्योंकि आरपीएम ज़्यादा है। मीटर आप लोग के नियर अबाउट करके दिखाने की कोशिश, और इसको मैं चला रहा हूँ, तो दोस्तों आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं सामने कि लगभग 3.5 एम्पियर कंज्यूम कर रही है मोटर, और आउटपुट में 11.5 यानी 11.5 कुछ वोल्ट्स आ रहे हैं। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक चीज़ और, एक और करेक्ट वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो टैकोमीटर नहीं है तो आरपीएम को मैं जज नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। अब हम आउटपुट में देखते हैं कि कितना ये करंट हमें देती है, मेन चीज़ होती है करंट, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये वीओसी है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, करंट तो अभी जनरेट हुआ ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब हम करंट के लिए, मेन चीज़ करंट है, और यहाँ जहाँ तक है दोस्तों इसको करंट, अभी आरपीएम एकदम रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बार फ्लैश के साथ देखेंगे हम सही से, ये देखिए 1.2 एम्पियर ओनली, ठीक है, 1.2 एम्प्स, और वहाँ पर देखेंगे आप स्क्रीन पर तो एम्पियर भी कितने ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, और वोल्टेज भी ड्रॉप हो गई, देखिए देखिए 5.3 कुछ एम्पियर जा रहे हैं इनपुट में, और वोल्टेज भी ड्रॉप हो गई, ठीक है। और करंट भी देखिए हमारा कितना 1.2। अब दोस्तों देखिए, समझने वाली बात अब यहाँ है कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है उसके हिसाब से, जब तक कि हमारा यहाँ पर कॉइल क्लोज नहीं है, ठीक है। क्लोज का मतलब, जैसे कि वीओसी होती है ओपन सर्किट वोल्टेज दो टर्मिनल के बीच में, तो जब तक वो टर्मिनल क्लोज नहीं है, ठीक है, क्लोज नहीं है, एक कॉइल कंप्लीट नहीं बन रही है, ठीक है, जब तक कॉइल कंप्लीट नहीं है तब तक तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फोर्स लग ही नहीं रहा था, फोर्स चाहिए ही नहीं था, ठीक है।
लेकिन जैसे ही हमने कॉइल को क्लोज करा, ठीक है, अब वहाँ पर EMF जनरेट हो गया। ठीक है, अब वो EMF की वजह से जो करंट फ्लो हुआ है दोस्तों, वो करंट उसी मैग्नेट का अपोज करेगा। ठीक है, और जिस मैग्नेट की वजह से वो करंट वहाँ पर जनरेट हुआ है। ठीक है, अब ये मोटर दोस्तों जो VOC पर हमें 11.5 वोल्टेज दे रही थी, वो कॉइल क्लोज होते ही एकदम से ड्रॉप होके जो है 5 वोल्ट से भी नीचे आ गई, और जो एम्पियर है यानी क्लोज जो उसमें क्या जो करंट यहाँ पर जो जनरेट हुआ, ठीक है, लूप में यानी कि कॉइल में, वो 1.2 एम्प हुआ। ठीक है, और RPM तो रिड्यूस होने ही थे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसका मोटर का जो कॉइल का अपोज है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इस मोटर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बल्की मोटर है, हैवी मोटर है, तो उसने उस जो अंदर करंट जनरेट हुआ उसने अपोज करा है उसी फोर्स का। ठीक है, जिस फोर्स की वजह से या जिस मैग्नेट की वजह से वो वहाँ पर जनरेट हुआ है। ठीक है, जिस फोर्स की वजह से वो वहाँ पर करंट जनरेट हुआ है। तो दोस्तों बल्ब को किया है कनेक्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वोल्टेज और एम्पियर कितना आता है, सब जगह अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, देखिए एक्सपोजर थोड़ा सा गिराना पड़ेगा आप लोग को, देखिए बल्ब सही से नहीं दिख रहा होगा, ये रहा बल्ब। ठीक है, करते हैं तो लगभग ये 7-8 वोल्ट जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिएगा, ठीक है, 9 वोल्ट तक गया है। अब मैं मीटर छोड़ के आप लोग को बल्ब पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब सही दिखेगा आप लोग को, देखिए क्या। तो दोस्तों तो साउंड भी इसकी जनरेटर की तरह ही आ रही है। तो दोस्तों आई होप कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग को अच्छा लगा हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से वीडियो है, और आप लोग ज़रूर से मुझे बता दीजिएगा इस तरीके की और वीडियो अगर आप लोग को देखनी हो, मैं आप लोग के ज़रूर से ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट लाता रहूँगा। दोस्तों जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।